नेक्स्ट वन इज विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट होती है ये, एस से प्रकट करते हैं और इसके लिए सूत्र होता है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल और केवल ताप में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सूत्र देते हैं एक्स क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहाँ एस क्या होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ये डिटेल में तो हम ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, विमाओं में केवल अभी फिलहाल आप सूत्र याद कर लें तो एस बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे एम डेल्टा थीटा। क्यू ऊष्मा है, ऊष्मा का विमीय सूत्र आप देख चुके हो एम एल टू टी माइनस टू, एम का एम हो गया, डेल्टा थीटा थीटा ही लिखेंगे क्योंकि ये तापांतर होता है, तो क्या आ गया एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ठीक है, इकाई हम यहाँ से दे सकते हैं, क्यू की क्या होगी जूल पर द्रव्यमान की किलोग्राम और ताप की केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, इसके बाद ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऊष्मा धारिता को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी। और ऊष्मा धारिता के लिए सूत्र होता है क्यू बराबर, बस एम की जगह एक आ जाता है, एक किलोग्राम अगर हम ले लें, ठीक है, तो सी इंटू डेल्टा थीटा, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई डेल्टा थीटा। क्यू क्या है ऊष्मा, एम एल टू टी माइनस टू, और ये हो गया ताप, तो क्या बन गया बोलो ऊष्मा धारिता का, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, इकाई हो जाएगी जूल प्रति केल्विन। ठीक है, एक होती है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाए तो आ रहा था क्या विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन अगर किसी वस्तु को हम ऊष्मा दें और उसका ताप में वृद्धि ना हो तो फिर क्या होता है उसकी वो ऊष्मा जो होती है उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देती है। जैसे बर्फ़ है, अब बर्फ़ को अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ थी, अब ऊष्मा दी तो अभी भी ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे, तो फिर उस ऊष्मा ने क्या किया, उसने ये किया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है उसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल दिया। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल गई, इसका मतलब है कि उसने अपनी अवस्था को परिवर्तन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, अवस्था परिवर्तन कर लिया है, लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस समय होती है उसको गुप्त ऊष्मा, उस समय मानते हैं गुप्त ऊष्मा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगी, इसमें ताप आता ही नहीं है, द्रव्यमान आता है और गुप्त ऊष्मा आती है, गुप्त ऊष्मा को एल से प्रकट करते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा का अभिमेय सूत्र क्या हुआ, क्यू बटे एम, तो क्यू का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, एम का क्या हुआ एम, एम से एम काट दो तो क्या आ गया एल टू टी माइनस टू, इकाई यहां से ले लो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऊष्मा की जूल हो गई और द्रव्यमान की किलोग्राम हो गई, तो जूल प्रति किलोग्राम। फिर बात करते हैं गैस नियतांक, ये कर लिया था क्या, नहीं किया। अगला है गैस नियतांक, गैस नियतांक को R से प्रकट करते हैं और एक सूत्र होता है पी भी बराबर म्यू आर टी, यहाँ से हम R का मान, R का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं।
तो देखिए पी यहाँ पर दाब होता है, वी क्या होता है आयतन होता है, म्यू यहाँ मोल की संख्या होती है और आर गैस नियतांक होता है, टी यहाँ पर ताप होता है। ठीक है, टी यहाँ समय नहीं होता, टी क्या होता है ताप। अब हम यहाँ से आर का विमीय सूत्र निकालें तो अगर हम एक मोल के लिए बात करें तो म्यू की जगह वन लिख सकते हैं, लेकिन म्यू मोल है तो म्यू के पदों में आएगा। चलो निकालते हैं, पहले आर के लिए हल कर लो इसका। आर बराबर क्या होगा बोलो, पी पी बटे म्यू टी। आर का विमीय सूत्र निकालना है अपने को तो पी क्या है दाब, दाब का विमीय सूत्र बोलो क्या होता है, क्या होता है एम माइनस वन एल माइनस वन टी माइनस टू, आयतन का एल क्यू, म्यू का तो म्यू और टी का टी ये ताप है थीटा। ठीक है, क्या बन गया बोलो, लेट क्यों हो गए बोलो, क्या हो गया एम का एम हो गया, एल थ्री में से एक चला गया एल स्क्वायर, टी माइनस टू म्यू माइनस वन थीटा माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रखना अगर म्यू की जगह उसने वन लिखा हुआ है तो फिर म्यू नहीं आएगा। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन आएगा, तो वो ऑप्शन में देख लेंगे, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन दिया तब भी सही है और एम एल टू टी माइनस टू म्यू माइनस वन थीटा माइनस वन दिया तब भी सही है। क्लियर, अच्छा मात्रक निकालो यहाँ से या इधर से ही निकालो, इधर से सोचो ये क्या है एम एल टू टी माइनस टू क्या है जूल है, वर्क है ना कार्य है, तो ये हो गया जूल। म्यू माइनस वन थीटा माइनस वन ये क्या हो गया पर मोल पर केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो आर जो गैस नियतांक है उसका विमीय सूत्र हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। इसके बाद आता है बोल्ट्जमैन नियतांक। कॉन्स्टेंट बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक एक सूत्र है E बराबर 3/2 kT ऊर्जा का, इससे निकाल सकते हो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, E बराबर 3/2 kT, E क्या है ऊर्जा, इसमें E क्या होती है ऊर्जा, के क्या होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, टी क्या होता है ताप। चलो निकालें, ई ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है मालूम है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, बराबर के, के बोल्ट्जमैन नियतांक है वो तो निकालना ही है। ठीक है, इनटू टी, टी ताप है तो क्या आ गया थीटा। अब K निकालना है तो K का विमीय सूत्र क्या हुआ एम एल टू टी माइनस टू, थीटा को इधर ले जाओ थीटा माइनस वन। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। अच्छा इसका विमीय, इसका हम मात्रक देखें तो इधर से देखो एम एल टू टी माइनस टू क्या है जूल हो गया पर थीटा का केल्विन, तो जूल पर केल्विन ये आ जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक देखो इसको कैसे निकाल लेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक स्मॉल के, एक सूत्र ऊष्मा में था
जैसे ये एक छड़ है, रॉड है, इसकी लंबाई एल है, इसका ताप यहाँ थीटा वन है, इसका ताप थीटा टू है, और इधर से हम इसको क्यू ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसके अंदर ऊष्मा संचरित हो जाएगी, ठीक है, इस सिरे से इस सिरे की ओर। इलेवेंथ में पढ़ते हैं, तो ऊष्मा संचरण की दर यानी क्यू बाई टी, ये होती है ऊष्मा संचरण की दर, ये बराबर होती है, अगर आपको ध्यान हो, के ए, ए मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है, फिर तापांतर थीटा वन माइनस थीटा टू बटे लंबाई। तो इसका सूत्र होता है क्यू बाई टी बराबर के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे लंबाई, यही होता है। ध्यान आ रहा है? पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ाया नहीं था। हाँ, अब आपकी गलती नहीं है ना ये, चलो अब पढ़ा दिया होता तो अपन यहाँ आते ही नहीं, नहीं क्योंकि सिलेबस में तो वही इलेवन ट्वेल्थ का ही आता है, नीट में या जेई मेंस में कोई नया सिलेबस थोड़ी ना आता है। क्या आता है? इलेवेंथ का आता है, ट्वेल्थ का आता है। इलेवेंथ का इलेवेंथ में अगर ढंग से पढ़ लें, ट्वेल्थ का ट्वेल्थ में ढंग से पढ़ लें, तो फिर वही तो आता है। वो तो रटना पड़ता है, रटते नहीं रटना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं तो वो केवल आपकी समस्या नहीं है, सभी की समस्या है। ट्वेल्थ में तो रटना पड़ता है कि मार्क्स रटने पे ही मिलेंगे, आपने क्या लिखा है क्या नहीं। और अगर एमपी बोर्ड में तो और रटता है, जो किताब में लिखा है वैसे ही लिखा है कि नहीं, है ना, पता चला एक डेरिवेशन करने की चार मेथड हैं, और वो मास्टर जो चेक कर रहा है उसको एक ही आती है परीक्षा बोध वाली, और आपने कोई और मेथड लिख दी तो काट के जीरो दे देगा, उसको ही नहीं पता कि ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो वो और समस्या होती है, इसलिए आपकी गलती नहीं है। Q बाई टी इक्वल टू क्या हो गया? के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल। अब मात्रक इसमें सारे विमीय सूत्र लिख दें। बोलो Q का क्या होता है? Q ऊष्मा है, एम एल टू टी माइनस टू, टी का कैपिटल टी हो गया, समय है ये, तो के का निकालना है ए, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का बोलो एल स्क्वायर, तो ये मैंने एल स्क्वायर ले लिया। थीटा वन माइनस थीटा टू तापांतर है तो थीटा ही आएगा, ठीक है, ताप में अंतर मतलब ताप, बटे एल लंबाई माने एल, ठीक है। अब इधर काट दो, एल से एक एल चला गया, इधर जो एल बचा वो इधर वाली एक एल से खत्म हो गया, तो इधर क्या बचा? एम एल बचा टी माइनस थ्री, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू पहले से ही है, तो एम एल एम एल टी माइनस थ्री आ गया। इस थीटा को इधर खींच लिया, क्या आ गया? थीटा माइनस वन आ गया, बस यही आ गया हमारे पास के, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र, ठीक है। इकाई होती है जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन। निकाल सकते हो यहां से एक सेकंड बाहर निकाल लो तो, और एल से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो एम एल टी माइनस थ्री है, थीटा माइनस वन, यही है। अब इधर से कुछ दिख नहीं रहा मुझे, चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे क्यू की क्या होती है जूल, क्यू तो ऊष्मा है ना, तो ऐसा ही इधर से चलो निकालें, क्यू की क्या होती है जूल बटे टाइम की सेकंड, बराबर के की तो निकालनी है क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। ये थीटा वन माइनस थीटा टू क्या है? ताप, तो ताप की क्या होगी? केल्विन कैपिटल के बटे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से एक मीटर काट दो, ठीक है। अब अपने को के का इसका निकालना है, तो के का मात्रक क्या हुआ? जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, देखो वही आ गया, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, ठीक है।
यहाँ से ले सकते, ठीक है। स्टीफन ने क्या कहा कि किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को हम ऊष्मा दें, ठीक है, ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक बात है। तो क्यों ऊष्मा दी? प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई समय, या इसका उल्टा कहते हैं वो कि किसी पदार्थ का ताप कैपिटल टी है, मान लो किसी पदार्थ का ताप है, खूब बहुत सारा ताप है, तो उससे ऊष्मा निकल रही होगी। हर पदार्थ जिसका ताप है उससे ऊष्मा निकलती है, बस जीरो केल्विन पर अगर कोई ताप है तो उससे ऊष्मा नहीं निकलती, लेकिन सेल्सियस में माइनस में भी है तब भी उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जीरो केल्विन छोड़ दो बस, बाकी हर ताप पर ऊष्मा निकलती है। तो स्टीफन कहते हैं कि उसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, मान लो एक गोला है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति सेकंड समय पर जो ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्मा उस वस्तु के ताप की पावर 4 के समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ताप थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो उससे निकलने वाली ऊष्मा बहुत सारी बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर में क्या आ रहा है, 4 आ रही है। जैसे अगर पहले ऊष्मा जो भी निकल रही थी, अगर मैं ताप को दुगना कर दूं, किसी ताप पर कुछ ऊष्मा निकल रही है, अगर मैं उसको दुगना कर दूं, तो ऊष्मा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी हो जाएगी? ताप को दुगना करने पर 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 गुनी हो जाएगी। यानी जस्ट ताप को दुगना करने पर उससे निकलने वाली ऊष्मा प्रति इकाई समय प्रति सेकंड कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो ये स्टीफन ने बताया। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाओ तो ये तो आपको मालूम है, Q/80 बराबर क्या? सिग्मा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ सिग्मा आता है, सिग्मा ये 6 जैसा बनता है, T^4, इसी को स्टीफन नियतांक कहते हैं। अब हम सिग्मा का अभिमेय सूत्र निकाल सकते हैं। क्यू का क्या होता है बोलो? क्यू यानी ऊष्मा है, तो ML(2T-2). नीचे ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होगा बोलो? L²। समय का टी बराबर, सिग्मा का निकालना है, टी क्या है? टी यहाँ पर ताप है, तो ताप का क्या हो जाएगा? θ^4। अब L²/L² उड़ा दो, क्या बन गया? M बोलो T-3, इधर आ गया θ-4, ये हो गया सिग्मा। तो सिग्मा का यानी स्टीफन नियतांक का सूत्र आया, विमीय सूत्र आया MT-3 θ-4, ठीक है। वीन्स नियतांक क्या होता है? वीन्स बोलो, याद है कुछ? आधुनिक भौतिकी में था ये 12th में। वीन्स नियतांक, वीन्स कांस्टेंट, देखना बी से प्रकट करते हैं इसको, और ये तरंग दैर्ध्य और ताप का गुणनफल होता है, λT(Constant), कांस्टेंट माने बी, तरंग दैर्ध्य और ताप का गुणनफल है ये, ठीक है। अब इससे तो आसानी से आ जाएगा, बोलो बी का निकालना चाहते हैं, बोलो लैम्डा क्या? तरंग दैर्ध्य माने लंबाई, ठीक है, तरंग दैर्ध्य लंबाई की इकाई मीटर होती है, मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी। ताप का थीटा, तो क्या आ गया? L θ, ठीक है, तो ये L θ बन जाएगा, और इकाई क्या हो जाएगी? लंबाई की मीटर, ताप की केल्विन, तो मीटर केल्विन, ठीक है। प्लांक नियतांक निकाल चुके आप, निकाला था नहीं निकाला? निकाल लिया था। किसके बराबर होता है ये?
कोणीय संवेग के बराबर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है ये किस चैप्टर में आता है बताओ जरा। ऊष्मा वाले चैप्टर में आता है। और एक सूत्र था L बराबर L जीरो वन प्लस अल्फा थीटा, ठीक है, ध्यान आ रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक 11th में चैप्टर था। तो देखो अपने को तो अल्फा का निकालना है, तो पहले अल्फा का अंदर गुणा कर दो, ये L जीरो के अंदर गुणा कर दो, L बराबर L जीरो प्लस L जीरो अल्फा थीटा, हमने L जीरो का अंदर गुणा कर दिया बस, ठीक है। अब अल्फा का मान निकाल लो इसमें, तो L जीरो इधर शिफ्ट करो, L माइनस L जीरो बटे क्या, L जीरो गुणा अल्फा क्यों थीटा, L माइनस L जीरो बटे L जीरो थीटा ले लिया क्योंकि अल्फा तो निकालना है, तो ये आ गया अल्फा, ठीक है। अब बताओ बीमी सूत्र निकालें हम, L माइनस L जीरो ये क्या हुआ, किसका अंतर है, ये लंबाइयों का अंतर, तो लंबाइयों का अंतर भी क्या होगा लंबाई, तो केवल L लिख सकते हैं, नीचे L जीरो क्या है ये भी लंबाई है प्रारंभिक लंबाई, तो ये हो गया L गुणा थीटा, L से L काट दो क्या आ गया वन अपॉन थीटा, थीटा मतलब थीटा ऊपर चला गया तो थीटा इनवर्स, ये ठीक बात है। तो अल्फा का विमीय सूत्र क्या आ गया थीटा इनवर्स, राइट। यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन माइनस वन, मतलब पर केल्विन, ठीक है। इसके लिए सूत्र होता है कि जब हम कार्य को ऊष्मा में बदलते हैं या ऊष्मा को कार्य में बदलते हैं तो जो कार्य है वो समानुपाती किसके होता है ऊष्मा के, ठीक है। तो इसलिए हम कार्य बराबर ये समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जे, जिसको कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, तो डब्ल्यू बराबर जे क्यू। वास्तव में जे कोई भौतिक राशि नहीं है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है कि ये जो कार्य है ये जूल में लिया और इधर के लिए क्या ले लिया, मान लो ये कैलोरी में ले लिया, तो फिर वो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए हमें जे से गुणा करना पड़ता है, जिससे कि दोनों तरफ की इकाइयाँ कैसी हो जाएँ, समान हो जाएँ, बराबर हो जाएँ। तो अब जे का विमीय सूत्र निकालें तो डब्ल्यू बटा क्यू आएगा, और डब्ल्यू का एम एल टू टी माइनस टू होता है, Q का भी ML2 T-2 होता है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगी ये विमाहीन। और चूंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है तो इकाई अगर लोगे तो चलो अलग अलग इकाई ले लें, तो W की क्या होगी बोलो जूल, और Q की क्या लेते हो कैलोरी, तो जूल पर कैलोरी इसको चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद है वंडरवाल नियतांक, पढ़े थे ए और बी नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, समघात का सिद्धांत बता दिया था मैंने, ठीक है। सवाल कराए थे कुछ उसके, देखिए समघात के सिद्धांत से ही हम वंडरवाल गैस नियतांक निकालते हैं। एक सूत्र बताया होगा पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस बी बराबर आर टी, ध्यान है इसमें जो ए और बी होते हैं यही तो वंडरवाल नियतांक होते हैं ए और बी, तो आपको ए और बी का विमीय सूत्र निकालना है, निकाल लोगे, बताया था कैसे निकालना है बोलो, कैसे निकालोगे पी का ए बाय बी स्क्वायर से, कैसे निकालोगे पी को ए बाय बी स्क्वायर के बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि इन दोनों को इस ब्रैकेट के अंदर क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है, तो भौतिकी में या फिजिक्स में उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं जिनके विमीय सूत्र आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के लिख, दोनों को बराबर करके लिख दें,
तो हमने लिखा, चलो एक बार और बता देता हूँ, ए बाय वी स्क्वायर बराबर किसके लिख दिया, पी के लिख दिया, तो ए बाय वी स्क्वायर बराबर पी। अब ए का विमीय सूत्र निकालना है, तो ए का विमीय सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर दो पी वी स्क्वायर, ठीक है। पी प्रेशर है, दाब है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, दाब का एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वी क्या है, आयतन है, तो आयतन का एल क्यूब, और ये पावर टू है, तो कितना हो जाएगा छः, तो कितना आ गया एम छः में से गया एम एल फाइव टी माइनस टू, ठीक है। ये ए का आ गया। बी का निकालोगे आप, तो देखो वी को बी के साथ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वी में से बी घटा रहे हैं, और घटा कब सकते हैं, जब दोनों के विमीय सूत्र बराबर हो। तो हम बी का विमीय सूत्र बराबर क्या कर देंगे, वी का विमीय सूत्र, और वी का क्या है एल क्यूब, तो बी का क्या आ गया एल क्यूब, यही ए और बी के निकाल लिए। तो यहां पर कितनी हो गई टोटल, 43 हो गई होंगी, देखो 28 ये हैं और 15 ये हैं। ठीक है, कितनी लिख ली, 42, चलो ठीक है। अब इसके बाद आता है विद्युत, मतलब अब हम जो बीमाएं लिखेंगे वो 12th वाले पोर्शन की लिखेंगे, तो उनकी और स्टडी करेंगे। इनमें से भी बहुत सारी बीमाएं पूछी जाती हैं, मिटा दें। अब देखिए, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सूत्र बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर अभी तक तो मैं कर रहा हूं, बोर्ड पे आप उतारते जा रहे हो, अब उल्टा करना है कि मैं केवल सूत्र लिखूंगा और आपके, आप अगर 12th पास करके आए हैं तो वो सूत्र मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि नहीं मालूम होगा, है ना, तो वो मैं लिख दूंगा, ठीक है, बोर्ड पर लिख दूंगा। तो उससे आप अभी तक इतनी 42 बीमाएँ निकालना सीख चुके हैं, तो अब उन सूत्रों की मदद से आप खुद निकालो, ठीक है। 5 लिख रहा हूँ मैं, फिर आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप रफ कॉपी पर या पीछे कहीं पर एक पेज पर निकालें, और फिर उसके बाद मैं निकालूँगा, ठीक है ना। तो इससे अब आपको प्रैक्टिस करनी है। विद्युत की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और मूलभूत राशि जुड़ जाती है। देखो MLT तो होंगी ही, एक और जुड़ जाएगी, कौन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का सिंबल क्या है, ए, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एम्पियर। अब देखिए सबसे पहला है, अब मैं 5 लिख रहा हूं फार्मूले, पहला है आवेश। आवेश क्यू बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से, IT, क्यू बराबर IT, इससे निकालना है। सेकंड मैं लिखता हूं विद्युत धारा, वो तो आई जाएगी धारिता, अच्छा इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो ई बराबर कोई सूत्र था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, यही था, ठीक है, ध्यान आ रहा है। इसके बाद विद्युत विभव, बोलो कोई सूत्र था, कार्य बटे आवेश, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बोलो
पी बराबर क्यू इंटू एल चल जाएगा। पांचवा बोलो, विद्युत में और कोई भौतिक राशि आपको याद आ रही है? केवल स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत में आवेश पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, विद्युत विभव पढ़ा था, विद्युत विद्रुवागुण पढ़ा था, और धारिता, वो धारिता वाले चैप्टर में आ जाएगा। स्थिर विद्युत में विद्युत फ्लक्स, बिल्कुल सही, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। और बोलो, चलो पांच के ही करो पहले। इसका सूत्र क्या होगा? फाई बराबर ई इंटू ए। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है? क्षेत्रफल। करो, चलो बताओ। आवेश का क्या आ गया? आई का होता है ए, समय का टी, तो ए टी आ गया। मात्रक क्या होता है? यहाँ से ए का होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड तो हो ही जाएगा। और इसको और क्या बोलते हो? कूलाम बोलते हो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो। एफ का क्या हुआ? एम एल टी माइनस टू। क्यू का क्या हुआ? ए टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या बन गया? एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। मात्रक देखोगे तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। आवेश का कूलाम। आगे आप देखेंगे इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, कार्य का बोलो। एम एल टू टी माइनस टू, क्यू आवेश है, ए टी क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। द्विध्रुव आघूर्ण का निकालें, क्यू का क्या होता है? ए टी, और ये लंबाई का तो एल ही होगा, ए टी एल याद कर लो, ठीक है। एक इकाई बोलो, क्यू की क्या होगी? कूलाम, और लंबाई की मीटर, कूलाम मीटर। विद्युत फ्लक्स ई की क्या होगा? ई का निकाल चुके हो आप, बोलो। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन इंटू ए क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होगा एल स्क्वायर, तो कितना हो गया? एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आ रहा है एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। विद्युत फ्लक्स हुआ ई इंटू ए, ई का था देख लो आप, एम एल माइनस एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन इंटू एल स्क्वायर, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इकाई अगर निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता था? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक और इकाई निकाल सकते हो, देखो वोल्ट पर मीटर किसकी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और गुणा क्या? मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कट गया, क्या आ गया? वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट मीटर, ठीक है। विद्युतशीलता मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन जीरो से प्रकट करते हैं। तो कोई सूत्र ढूंढो जिसमें एप्सिलॉन जीरो आता हो। किस में आता है? बल में आता है, सिंपल सा है। तो बल बराबर कितना? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, इससे निकालना है। अगला धारिता
सी से प्रकट करते हैं, क्यू बराबर सी वी, ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बी बराबर आई आर से निकल आएगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो से प्रकट करते हैं और आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से आ जाएगा। चालकत्व कैपिटल जी से प्रकट करते हैं, ये वन अपॉन आर होता है। विशिष्ट चालकता सिग्मा से डिनोट करते हैं, वन अपॉन मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो निकालना है तो एक काम करो, एप्सिलॉन जीरो के लिए सॉल्व कर लो पहले इसको। कैसे सॉल्व करोगे? एप्सिलॉन जीरो बराबर क्यू वन क्यू टू, क्यू वन गुणा क्यू टू बटे कितना, फोर पाई, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। हमने इसको यहाँ ले लिया और इसको यहाँ पहुँचा दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप बताइए एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालना है, क्यू का क्या होता है, 80, दूसरे क्यू का 80 पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी 80 बटे में 4 पाई का कुछ होता है, नहीं होता। एफ का क्या, एम एल टी माइनस टू, आर का क्या लंबाई है, त्रिज्या है एल, तो एल स्क्वायर हो गया। हो गया, अब काटो इसको, क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, एम ऊपर गया, एम माइनस वन, एल स्क्वायर और एल, एल क्यूब हो गया, ऊपर ले जाओ, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर कितना, एल टी स्क्वायर ये हो गया, और माइनस टू और ऊपर गए तो टी टू दी पावर फोर, और ए ये रहा, ए ये रहा, कितना हो गया, ए स्क्वायर, कितना आया, एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी फोर, ए स्क्वायर। तो एम एल टी ए में आएंगे, आप इसको गाड़ी नंबर की तरह याद कर लो, गाड़ी के चार नंबर होते हैं ना, चार डिजिट होते हैं कि नहीं, ऐसे ही समझ लो कि एप्सिलॉन जीरो, जैसे कोई होंडा सिटी होती है, कोई स्कूटर होता है, कोई जो है सबके नंबर अलग अलग हैं, तो एप्सिलॉन जीरो समझ लो कोई गाड़ी है और उसका गाड़ी नंबर क्या है, 1342। ठीक है, और पहले दो नेगेटिव, लास्ट वाले पॉजिटिव, इसे तुरंत ध्यान आ जाएगा। तो 1342 नंबर की गाड़ी है एप्सिलॉन जीरो, जिसके पहले दो नेगेटिव हैं, दूसरे दो पॉजिटिव हैं, और एम एल टी ए तो आएगा ही। ठीक है, चलिए मात्रक तो निकाल ही लोगे इसका, कैसे निकालेंगे, क्यू वन क्यू टू के कितना हो गया, कूलाम कूलाम, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी में ये जो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो है, इसको क्या बोलते हो, के बोलते हो, इसको कूलाम नियतांक बोलते हैं, कूलाम नियतांक। तो इसी में अगर वो पूछता है कि कूलाम नियतांक के का विमीय सूत्र क्या है, तो आप देखोगे F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही है। तो एप्सिलॉन जीरो और कूलाम नियतांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है कि नहीं है, तो K का विमीय सूत्र यही आएगा, केवल क्या आ जाएगा, ये पावर पलट जाएंगी, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, आ जाएगा कितना, के का विमीय सूत्र देखोगे तो एम एल टी ए वही 1342 ही रहेगा, लेकिन ये लास्ट वाले दो नेगेटिव हो जाएंगे, समझ रहे हैं। अब आ गया धारिता, देखो धारिता
धारिता में Q बराबर C V है, तो C बराबर क्या हो गया Q बाई V। बोलो C का विमीय सूत्र निकालना है तो Q का क्या होगा, Q का AT, Q का हो गया AT देखते जाना, बटे V, V था विभव तो विभव था W बटे आवेश AT, तो क्या बना था उसका ML2 T माइनस थ्री ए माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन यही बना था। सॉल्व करो इसको क्या आया, एम ऊपर गया एम माइनस वन, एल ऊपर गया बोलो एल माइनस टी, टी ऊपर गया फोर हो जाएगा माइनस तीन ये है और एक टी ऊपर पहले से ही है, और ए टू हो जाएगा ये 1242 नंबर की गाड़ी है, धारिता 1242 एप्सिलॉन 0 1342 ठीक है। धारिता का मात्रक होता है यहाँ से ले सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, क्या होता है फैराड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड ठीक है। चलो अगला मिटा दें इधर, प्रतिरोध R बराबर क्या आ जाएगा V बाय I, बोलो V का, V का भी निकाला ML2 T माइनस थ्री A माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री और A माइनस वन, A का I का कितना A, यही हो गया बोलो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू 1232 ठीक है, पहले दो पॉजिटिव अगले दो नेगेटिव, ये 1232 की गाड़ी है रेजिस्टेंस। मात्रा क्या होता है ओम, विशिष्ट प्रतिरोध बोलो आप लोग क्या निकाला, विशिष्ट प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल अपॉन ए इससे निकल आएगा, तो रो का मान निकालना है R A अपॉन L, R का तो निकाल ही चुके आप एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू गुणा ये A क्या है, ये क्षेत्रफल है ठीक है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होगा बटे ये लंबाई है, तो एक एल से एक एल उड़ा दो क्या बन गया एम एल थ्री आया ठीक है, और वही रहेगा माइनस थ्री और ए माइनस टू, बस ये 1332 है। प्रतिरोध 1232 और विशिष्ट प्रतिरोध और बड़ा है तो 1332, ये बड़ी गाड़ी है। बस ये ध्यान रखना कि इसमें लास्ट में नेगेटिव है, पहले दो पॉजिटिव हैं, धारिता में पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव है, वो 1342 है। चालकत्व, चालकत्व जो है वो 1/r है, तो प्रतिरोध मैं 1232 ही रहेगा, बस क्या आ जाएगा पहले दो पॉजिटिव अगले दो नेगेटिव, तो चालकत्व G बराबर 1/r, तो क्या निकल आएगा एम एल टी ए ही आएगा, बस कितना माइनस के 12 और प्लस के 32 यही हो जाएगा ठीक है। विशिष्ट चालकता सिग्मा वो 1/ρ होता है, इस रो का उल्टा कर दो, जो 1332 है पहले नेगेटिव अगले दो पॉजिटिव, क्या आ जाएगा एम एल माइनस के 13 और प्लस के 32 सिंपल ठीक है। संडे का टेस्ट मालूम है ना कल का, काहे का टेस्ट है
वेक्टर का, ठीक है, फिर से तैयार कर लो वेक्टर का, वेक्टर, हाँ 7:30 बजे, और इसका जो डिस्कशन होगा वो मंगलवार को 5 बजे। तो जिसको डिस्कशन करना हो वेक्टर का, वेक्टर के टेस्ट का, वो मंगलवार को 5 बजे आएंगे, ठीक है। और टेस्ट तो सभी को देना है, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, टेस्ट सभी दो, ठीक है। कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा वेक्टर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आधा पढ़ा है, तो 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, बस उतना ही एक बार रिवाइज कराना। 45 में से एक दो क्वेश्चन तो कर ही दोगे ना, है ना, बस तुक्के मत लगाना। ये नहीं कि 45 में चलो जाएंगे तो अपन 2-4-10 तुक्के लगा देंगे तो एक आध दो तो सही हो जाएंगे, वो एक भी सही नहीं होंगे, वो उल्टा माइनस में चले जाओगे। इसलिए जिन्होंने पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में 9th, 10th, 11th में कहीं जानते हैं, तब भी 45 में से आप 8-10 क्वेश्चन तो कर पाओगे। आप अपने लेवल के क्वेश्चन छांट लेना पूरे 45 में से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी टेस्ट देने की आदत पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं है, आप सोचोगे कि आप पढ़ा ही नहीं है तो टेस्ट क्या दें। ऐसे अगर बार बार आपके मन में आता गया तो फिर आगे फिर दिक्कत ही आएगी। तो इसलिए टेस्ट जरूर दो, भले ही आए चाहे ना आए, जितने भी मार्क्स आए, अगले टेस्ट में जब होगा तो बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, सिग्मा 1/रो है, एक आए का है, ये रो का ही तो था, ML3 T-3 और A-2, इसी को पलट दो, ये पहले 13 है माइनस के 13 हो गए, माइनस के 32 प्लस के 32 हो गए, ठीक है ना। तो टेस्ट ज़रूर देना है, और जिन्होंने लास्ट टर्न पर टेस्ट दिया था वेक्टर का, तो आप टारगेट रखो कि हमारे जितने मार्क्स आए थे पिछले टेस्ट में, अब चूंकि ये सेकंड टेस्ट है उसी चैप्टर का है, आपको एक हफ्ते का टाइम फिर मिल गया है तैयारी करने का, तो आप टारगेट रखो कि जितने मार्क्स हमारे आए थे उससे थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है, उससे कम नहीं हो। सेम चैप्टर का टेस्ट है, आप एक बार पढ़ चुके हो, एक बार और अभी एक हफ्ते का समय मिल गया है, तो अब आप ये टारगेट रखो पहले से ही, जब टेस्ट देने आओ तो दिमाग में रखना कि जितने हमारे मार्क्स पिछले टेस्ट में आए थे उससे इसमें ज़्यादा आने चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करना। और ऐसे मन में हर टेस्ट में रखोगे ना तो डेफिनेटली आएंगे, देखना करके देखो एक बार। कई बार अपन क्या होता है सोचते नहीं है, एक तीव्र तरीके से, तीव्रता से सोचना तो सीखो कि नहीं हमारे पास इतनी अच्छी तैयारी है कि जितने टेस्ट में मार्क्स आए थे अगले टर्न पर हमारे इससे ज़्यादा मार्क्स आने ही चाहिए, तो फिर दिमाग भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अभी अपन सोचते ही नहीं है, सोचते हैं कि चलो ठीक है टेस्ट दे आते हैं, जितने आएंगे भगवान भरोसे देखेंगे कितने आ रहे हैं, है ना। तो आप टारगेट रखिए जितने मार्क्स आपके पिछले टेस्ट में आए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आए। नेक्स्ट, स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक L से प्रकट करते हैं, ठीक है। कौन सा सूत्र, कोई सूत्र है जिसमें स्व प्रेरण गुणांक आता हो? बोलो, एक काम करें, स्व प्रेरण गुणांक निकालने के पहले पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, फिर स्व प्रेरण गुणांक निकाल लेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र, बोलो, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रकट करते हैं। कोई सिंपल सा सूत्र देखो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी आता हो और उस सूत्र की सारी विमाएं आपको पता हो, बोलो फटाफट। विद्युत फ्लक्स में कहाँ आता है? बी बराबर 1/μ0/4π, तो म्यू चाहिए। अरे सिंपल है ना, बल का एफ बराबर BIL, एफ बराबर BIL साइन थीटा, और साइन थीटा की तो कुछ होती नहीं बीमा, तो एफ का मालूम है, बी का निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र है, और आई
धारा है मालूम है, और एल यहाँ लंबाई होती है तो लंबाई का भी मालूम इससे आ जाएगा। ठीक है, और बोलो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए आ जाएगा इससे। ए क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। अगला चुंबकन शीलता, मुक्त आकाश की चुंबकल शीलता म्यू नॉट, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। इसके लिए आप सूत्र लगा लो, कौन सा कोई सा भी सूत्र लगा लो, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन टू आर लगा लो। एक किसका सूत्र है, धारावाही तारक तार के वृत्तीय तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, चलो अगला। अब चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण एल, चुंबकीय प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व एल या एम, ये होता है एक्चुअली सौ प्रेरकत्व, और ये क्या होता है अन्योन प्रेरकत्व। तो दोनों की विमाएं एक जैसी निकलती हैं। फाई बराबर एल आई से लेंगे, ठीक है, एल यहाँ पर सौ प्रेरकत्व है, और फाई बराबर एम आई कर दो तो एम क्या हो जाएगा, अन्योन प्रेरकत्व हो जाएगा। ठीक है, जेड किधर लिखा है भैया, जेड कहाँ लिखा है मैंने, किधर तू सबसे आगे बैठा है, जेड दिख रहा है तेरे को, किधर है जेड, एल आई है ये, म्यू नॉट बी, अच्छा ये टू है, अरे यार म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। किसी वस्तु को घूमने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो विभिन्न स्थितियों से मिलता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर उसका सैटेलाइट घूम रहा है, उपग्रह घूम रहा है, तो उपग्रह को घूमने के लिए जो आवश्यक बल चाहिए वो कहां से मिलता है, पृथ्वी और उस उपग्रह के बीच में आकर्षी बल लगता है, चुंबकीय आकर्षी बल या विद्युतीय आकर्षी बल या गुरुत्वीय आकर्षी बल, कौन सा लगता है, गुरुत्वीय आकर्षी बल लगता है, वो उसको क्या देता है, अभिकेंद्रीय बल देता है। तो अब हम अभिकेंद्रीय बल का सूत्र स्थापन करना चाहते हैं, तो सोचो m द्रव्यमान का कण है, r लंबाई की डोरी से बांध के घुमाया जा रहा है, तो इसको जो आवश्यक बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये सोचो। अभी हमें नहीं पता सूत्र, ये मान के चलो। तो सोचो अगर m का द्रव्यमान, ये m द्रव्यमान है, उसको बढ़ा दूं तो हो सकता है आपको घुमाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता हो, या कम कर दूं तो हो सकता है कम की आवश्यकता हो, मतलब जो बल है आवश्यक बल वो m पर निर्भर करेगा। लेकिन m की कौन सी घात होनी चाहिए, m स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, m क्यूब पे डिपेंड करेगा, रूट m पे डिपेंड करेगा, ये क्या पता, तो हमें इसकी पावर नहीं पता, तो पावर लगा दो अपने मन से a। ठीक है, अब उसने कहा, अब सोचो अपन इस r पे भी निर्भर करेगा क्या, बोलो, अगर लंबाई बढ़ा दी तो हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि ये r पे हो सकता है निर्भर करे, कि लंबाई बढ़ा दो अब घुमाओ उसको, तो हमें हो सकता है ज्यादा बल की आवश्यकता पड़े या हो सकता है कम बल की आवश्यकता पड़े, हमें नहीं पता, लेकिन जरूर बल इस r पर निर्भर कर रहा होगा। तो हमने अपनी समझ से ये पता कर लिया कि आर पे भी निर्भर कर रहा है, वो बाद में पता चलेगा कि निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सी पावर से कर रहा है ये भी नहीं पता, तो आर की पावर भी लगा दी। अब और सोचो किस पे निर्भर करेगा, इसको तेजी से घुमाओ और धीमे धीमे घुमाओ, तो डिफरेंट डिफरेंट बल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये वेग पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन वेग की कौन सी घात पर निर्भर कर रहा है ये नहीं पता, तो सी लिख दिया। अब ज़्यादातर ये तीन राशियों पर ही डिपेंडेंसी मिलेगी आपको,
एक भौतिक राशि इन तीन राशियों पर, कोई सी भी तीन राशियों पर निर्भर करेगी, ऐसा प्रश्न में दिया होगा। ये तो मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया है, प्रश्न में तो पूरा प्रश्न बना होगा, वो उस प्रश्न में लिखा होगा कि एक भौतिक राशि इन तीन राशियों पर या और कोई तीन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो इन चारों में आपस में संबंध बताओ क्या संबंध होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशि जिन तीन पर डिपेंड कर रही है वो समानुपाती का चिन्ह लगा लेंगे और वो राशियां लिख लेंगे, उनके पावर ABC लगा लेंगे। ये होगी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप ये होगी कि आप इन सब के विमीय सूत्र लिखेंगे। तो F का विमीय सूत्र क्या होगा, MLT-2, इसकी जगह बराबर लिख लेंगे, ठीक है। वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता तो उसको छोड़ देते हैं। M का विमीय सूत्र कैपिटल M, पावर में A लिखा रहे दो, R L हो गया पावर में B, V बोलो LT-1 पावर में C। तो पहली स्टेप में उस सवाल को पढ़ के हम देखेंगे कि एक राशि किन तीन राशियों पर निर्भर कर रही है, उनकी पावर लगा दो ABC। फिर दूसरी स्टेप में प्रत्येक भौतिक राशि, चार भौतिक राशियां होंगी, प्रत्येक भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख दीजिए, पावर ऐसी कैसी चढ़ा दीजिए। फिर अगली स्टेप होगी कि दोनों तरफ MLT की पावर्स की तुलना करनी है, दोनों तरफ से MLT की घातों की तुलना करें। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में M की पावर कितनी है, 1 है तो 1 लिख दो, इधर राइट हैंड साइड में सारे M ढूंढो, उसकी पावर एक ही M है, तो M की पावर क्या है, A है, तो तुरंत हमें A का मान मिल गया 1। मतलब ये बल M की पावर 1 पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ L की पावर इधर कितनी है, 1, इधर L की पावर एक तो B है और एक C है, तो B प्लस C घातें जुड़ जाती हैं, इधर L की पावर B है, इधर L की पावर C है, सारे L की पावर देखनी है, तो B प्लस C बराबर 1 आया। अब इससे तो डायरेक्ट कुछ निकल नहीं रहा, तो T पर आ जाओ, T की पावर कितनी, -2, तो -2 इधर T है कोई, ये है T की पावर -C आया, और कोई T तो है नहीं, तो -- काट दो, C बराबर क्या आ गया, 2, C का मान मेरे पास 2 आ गया। अब यहाँ C की जगह 2 लिख दो, तो बोलो B कितना आ जाएगा, 1 - 2 - 1, तो A का मान 1 आ गया, B का मान -1 आ गया, C का मान 2 आ गया, ये आ गया, ये सारे मान यहाँ रख दें, तो F बराबर आ गया M की पावर A यानी 1, R की पावर B माने -1, B की पावर C यानी 2, तो ये हो गया MV² / R, R की पावर -1 है तो नीचे ले जाओ। तो देखो ये हमने सूत्र बना लिया, ठीक है, बन गया कि नहीं, तो ये सूत्र पहले याद किया। अब आप सोचो किसी ने तो बनाया होगा सूत्र, तो ऐसे सूत्र बनाए जाते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके एक भौतिक राशि का सूत्र बनाना है तो देखते हैं कि वो भौतिक राशि किन राशियों पर डिपेंड कर रही है, तो ऐसे लिख के ABC बना के सॉल्व कर लेते हैं समीकरणों को, तो एक हमें नया सूत्र मिल जाता है। तो ये रिसर्च वर्क में काम आता है कि जब कोई वैज्ञानिक, जब आप लोग बन जाओगे वैज्ञानिक तो नया सूत्र बनाओगे, है ना, एक नया सूत्र अपने नाम से बना दोगे, तो वो जो नया सूत्र इन्हीं की हेल्प से आप बना पाओगे, इसलिए सीख लो, भविष्य में कहीं वैज्ञानिक बन गए, वैसे तो डॉक्टर बनोगे, लेकिन अगर कोई दूसरी लाइन पकड़ गया वैज्ञानिक वाली, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, नए नए सूत्र बनाने की। तो ये एक मैंने बना दिया है, अब आगे के आप बनाएंगे। अब एक बात और ध्यान लिख लो उसमें, अगर इस प्रश्न में कोई नियतांक का मान ना दिया जाए तो आप सीधे 1 लिख देना, जैसे इसमें समानुपाती के चिन्ह हटा के मैंने कोई नियतांक नहीं लिखा। कभी कभी प्रश्न में वो नियतांक देगा कि ये नियतांक है, तो उस नियतांक को लिख देना, ठीक है, क्योंकि नियतांक का मान, वो जो कि नियतांक होते हैं, कई नियतांक जो है बीमाहीन नियतांक होते हैं, जिनकी कोई बीमा होती नहीं है, तो उनको फिर हम विमीय रूप से नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए अलग मेथड है, ठीक है, तो हम नियतांक फिर एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो इसका सवाल लिख लो, फिर हम अगले सवाल दे रहे हैं आपको। आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा था, बोलो फटाफट बोलो, लंबाई की पावर A और
द्रव्यमान की पावर बी और जी की पावर सी, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, नियतांक दिया है तो 2π लिख देंगे, वो बाद में लिख देंगे, पहले अपन क्या करें इसका बेमी सूत्र बताओ टी का, तो टी ही रहेगा। एल का एल की पावर ए, एम का एम टू दी पावर बी, जी का एल टी माइनस टू की पावर सी। जी मतलब गुरुत्वीकरण। अब दोनों तरफ तुलना करो, इधर कितना एम, एम की तुलना करो, अब एम तो है नहीं इसमें, तो हम मानेंगे कि एम की पावर क्या है, वो जीरो है, तो एम की पावर जीरो। इधर एम बताओ क्या है, एम की पावर बी, बी बराबर जीरो आ गया। अब इधर एल की पावर कितना, एल है इसमें नहीं है, तो एल की पावर जीरो, और इधर एल की पावर ए और एल की पावर सी, तो ए प्लस सी बराबर जीरो आया। फिर इधर टी की पावर वन, इधर टी की पावर माइनस टू सी, यही है, तो सी का मान माइनस वन बाई टू आ गया, आ गया। सी का मान यहाँ रख दो, तो ए बराबर कितना माइनस वन बाई टू लिखोगे तो इधर चला जाएगा, कितना हो गया प्लस वन बाई टू, तो ए बराबर क्या आ गया प्लस वन बाई टू, बी बराबर क्या आ गया जीरो, और सी बराबर क्या आ गया माइनस वन बाई टू। रख दें इसमें मान समीकरण एक में, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा टी, अब समानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर और एक कांस्टेंट 2π, एल की पावर ए, ए कितना है प्लस का वन बाई टू, एम की पावर बी, बी मतलब जीरो, सी की पावर माइनस वन बाई टू। एम की पावर जीरो क्या होता है, एक हो जाता है, तो टी बराबर 2π, एल की पावर वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू को नीचे ले आओ, ये सी मतलब वी है, कितना जी है, तो जी की पावर प्लस वन बाई टू नीचे आ जाएगा, प्लस का वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो वन बाई टू कॉमन ले लो और अंडर रूट लगा दो, तो 2π अंडर रूट एल बाई जी, ये टी बराबर हो गया 2π अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हमने एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा, अगले टर्न पर इसी के हम और सवाल करेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन के और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो संडे को 7:30 बजे टेस्ट वेक्टर का आप तैयार कर रहे हैं, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। चलिए बताइए चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकला आपका, कितना निकला एम टी माइनस टू ए माइनस वन। चलो चेक करते हैं, देखिए यहां पर आपको B का निकालना है, तो B बराबर क्या आ जाएगा बोलो, F अपॉन आई एल, ये आ जाएगा। F का क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, और I का A, L तो लंबाई है, L L से L कट गया, क्या आ गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये ठीक है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। इसकी इकाई क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की, टेस्ला, और CGS होती है गॉस, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स बी का निकाले आप अभी एम टी माइनस टू, ए क्या होता है इसमें एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ए क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो गया एल स्क्वायर, तो क्या आ गया एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, यही आ रहा है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। इसकी इकाई होती है बेबर, क्या होती है बेबर, ठीक है। चुंबकनशीलता μ0 निकालना है, तो μ0 बराबर बी गुणा टू आर बटे आई, बोलो बी का क्या निकाले एम टी माइनस टू ए माइनस वन, टू का तो कुछ होगा नहीं, आर का एल और आई का ए, कितना हो गया एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ए ऊपर चला गया एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरकत्व जो सौ प्रेरकत्व है या अन्योन प्रेरकत्व है, तो एल बराबर क्या हो गया फाई अपॉन आई, फाई का क्या निकाले देखो इधर है,
ये फाई का है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन बटे क्षेत्रफल बटे करंट, करंट मतलब ए, ए ऊपर गया कितना हो गया एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण एम का निकालना है तो एन का कुछ नहीं होगा क्योंकि एन क्या है संख्या, आई का क्या होगा ए, और इस ए का क्या होगा एल स्क्वायर क्योंकि ये क्षेत्रफल था। इकाई देखोगे तो ए क्या है यहाँ करंट है ना, ये करंट का एम्पियर इनटू लंबाई मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम एल, स्मॉल एम कैपिटल एम बाई क्या हो गया एल, एम क्या निकाले ए एल स्क्वायर बटे एल, ये तो लंबाई ही है, लंबाई से लंबाई कट गया ए एल, तो ए का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मीटर, क्या आ गया एम्पियर मीटर। ठीक है, और क्या रह गया, हो गए सारे। ठीक है, तो ये यहाँ हमने डायमेंशनल फार्मूले जो विभिन्न भौतिक राशियाँ हैं उनके पढ़ लिए। चुंबकीय हाँ हाँ हो सकता है, मात्रक कह रहे हो, हाँ वेबर तो होता ही है और ये भी हो सकता है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में आप देख रहे हो एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है, ये क्या हो गया जूल प्रति एम्पियर हो सकता है, और वैज्ञानिक के नाम पर इसको बोल देते हैं वेबर, और सीजीएस होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऐसा देखेंगे कि एनालिटिकल वे में विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो पूछ ही सकते हैं वो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे पूछेंगे कि किनकी विमाएँ समान हैं किनकी समान नहीं है, जोड़े बना देंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किनकी विमाएँ समान हैं। ठीक है, फिर एक और तरीका बता रहा हूँ उसको अपन देखें, मिटा दूँ इसको, उसके लिए आप नोट्स देख लो, नोट्स निकाल लो, उसी में अपन देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है किस किस की विमाएं समान है। देखिए पेज नंबर 3 पर देखें, अब जो एक आध दो रह गई हैं वो इसमें से ही पढ़ लेना आप। ठीक है, वो धीरे धीरे चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो सब आते जाएंगे। जैसे पेज नंबर 3 पर लिखा है टी माइनस वन एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, मतलब ओनली टी माइनस वन। तो सोचो टी माइनस वन किन किन भौतिक राशियों की विमाएँ होती है, आवृत्ति की होती है टी माइनस वन, कोणीय आवृत्ति की भी होगी, कोणीय वेग की भी होगी, वेग प्रवणता की भी होगी, और क्षय नियतांक इसकी भी होती है टी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि क्षय नियतांक लैम्डा बराबर वन बाई टी होता है आवर्तकाल का, वो हाफ लाइफ का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा t माइनस वन। एम एल टू टी माइनस टू ये कार्य है, तो कार्य की हो गई, आंतरिक ऊर्जा की हो गई, स्थिति ऊर्जा की हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, बलागुण हो गया। ठीक है, वही की बात है। ठीक है, तो इन सब के क्या होंगे विमीय सूत्र समान होंगे। ऊष्मा का भी यही होगा, एम एल टी माइनस वन संवेग का होता है और किसका होता है आवेग, आवेग और संवेग के बराबर होते हैं। फिर एल टी माइनस टू किसका होता है गुरुत्वीय त्वरण का होता है और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण का बराबर होता है, किसके बराबर होता है एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू ये क्या है बल है, तो बल कोई सा भी हो, उछाल बल हो, ठीक है बल हो, भार भी एक बल है, और ऊर्जा प्रवणता, इस पर ध्यान दे दीजिए, अंडरलाइन कर लेना, ऊर्जा प्रवणता मतलब ऊर्जा बटे लंबाई, दूरी के साथ ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है उसको ऊर्जा प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का अर्थ क्या है, एक राशि में परिवर्तन किसके सापेक्ष लंबाई के सापेक्ष, तो ऊर्जा प्रवणता का भी एम एल टी माइनस टू होता है। एम एल टू टी माइनस वन
क्या होता है एम एल टू टी माइनस वन, ये कोणीय संवेग, ये किसके बराबर होता है? प्लांक नियतांक के बराबर इसके विमीय सूत्र होते हैं। एम टी माइनस टू पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा इसके विमीय सूत्र समान होते हैं। विमाहीन कौन कौन है? विकृति है, अपवर्तनांक है, सापेक्ष घनत्व है, कोण है, घन कोण है, दूरी प्रवणता मतलब दूरी बटे दूरी, ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता, जहाँ सापेक्ष वर्ड आ गया, सापेक्ष शब्द आ गया, वहाँ तो क्या होगा, विमाहीन ही होगा क्योंकि अनुपातिक राशि हो जाएगी वो, सापेक्ष चुंबकनशीलता आदि। एल टू टी माइनस टू ये गुप्त ऊष्मा होता है और यही गुरुत्वीय विभव भी होता है, तो ये दोनों को ध्यान रखना। एल टू टी माइनस टू गुप्त ऊष्मा की विमा है और एल टू टी माइनस टू गुरुत्वीय विभव की भी विमा है। एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन ऊष्मीय धारिता, गैस नियतांक, बोल्ट्समैन नियतांक और एंट्रोपी, इन सब की विमाएँ L2 T टी माइनस टू थीटा माइनस वन के ही बराबर होती हैं। तो 11वां नंबर पे स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, उन फार्मूले की विमाएँ सीधे सीधे अपने को निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनके उनको कैसे करेंगे देखें, जैसे मान लो एग्ज़ाम में आया ये पूरे, उसमें पूछा भी गया है आपको, नीट में पूछा गया है ये कि वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, इसका विमीय सूत्र ज्ञात करो। वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर का विमीय सूत्र ज्ञात करो, ये 2016 या 17 में पूछा गया है। तो अब अगर आप ई जीरो का विमीय सूत्र लिखोगे, इधर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका विमीय सूत्र लिखोगे, फिर वर्क करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं वो समय खा जाएगा, ठीक है। जबकि अब आपको ये सोचना है कि वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ये वास्तव में किसका सूत्र है। तो अगर जो 12th पास आउट हैं उनको पता ही होगा, नहीं पता है बोलो। अच्छा, जो ड्रॉपर हैं, जो पढ़ चुके हैं एक बार नीट के लिए, उनको तो पता होगा, उनको भी नहीं पता। वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ऊर्जा घनत्व होता है, क्या होता है? ऊर्जा घनत्व, ये होता है ऊर्जा घनत्व, पढ़े नहीं हो आप लोग, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। अब हम इसको ऊर्जा घनत्व के हिसाब से निकालेंगे। अब ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। तो ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या? एम एल टू टी माइनस टू। आयतन का क्या? एल क्यूब। क्या हो गया बोलो? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया, स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, एल ऊपर गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये जो वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर है, ये क्या है? ऊर्जा घनत्व है, इसलिए इसका विमीय सूत्र ये आ गया। तो यहाँ से अपने को पता चल जाए कि ये सूत्र आखिर है किसका, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें समय बचेगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगला सूत्र है, उसने कहा वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका विमीय सूत्र ज्ञात करो। ये सूत्र कुछ देखा हुआ सा लग रहा है क्या, बोलो। ये c बराबर होता है, यानी प्रकाश का वेग है, ये c बराबर वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो। अब इसका अगर विमीय सूत्र निकालने को आ जाए, जिसको पता नहीं है ये किसका सूत्र है, वो वैसे ही घबरा जाएगा, ये अपने बस की बात नहीं है, रूट लगा है, म्यू नॉट है, एप्सिलॉन जीरो है। अगर इसको पता है कि ये तो प्रकाश का वेग है, तो वेग मतलब वेग किसी का वेग हो, तो क्या हो गया? एल टी माइनस वन। तो सीधा सीधा ये क्या आ गया? एल टी माइनस वन, ठीक है। और सूत्र देखें, आई स्क्वायर आर टी, उसने पूछा इसका विमीय सूत्र बताओ।
बोलो I2RT क्या है? ऊष्मा है ना, बिल्कुल। तो ऊष्मा का क्या होगा, कार्य के बराबर ML2 T-2। और सूत्र देखें जो ऊर्जा ऊर्जा या ऊष्मा के आते हैं, ये तो है ही, V2RT भी है, VIT भी है, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी है, ये भी ऊर्जा का है, PV। और PV इक्वल टू μRT होता है, तो μRT PV के बराबर हो गया, इसका भी वही आएगा। और बोलो कोई कार्य के सूत्र या विभव सूत्र बनते हो, W बराबर Q भी पढ़ा था, आवेश गुणा विभवांतर पढ़ा था। तो इन ये सभी सूत्र जो कुछ मैंने लिखे हैं और भी हो सकते हैं, इन सभी की विमाएँ किसके बराबर होंगी, कार्य के या ऊष्मा के ही बराबर होंगी। वो कितनी होंगी, ML2 T-2, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि हम इन सूत्रों में अलग अलग विमाएँ ना रखते हुए ये सोचेंगे कि ये वास्तव में जो सूत्र बन रहा है वो किसका सूत्र है, वो अगर समझ में आ जाए तो हम डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और है, L/R L यहां पर सौ प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। बोलो L/R किसके बराबर होता है, समय नियतांक है, समय √LC ये भी समय नियतांक है, ठीक है। और RC ये भी समय नियतांक है। इन सबके विमीय सूत्र किसके बराबर होंगे, जब समय नियतांक है तो समय के बराबर होंगे, ठीक है। इनको पलट दें अगर R/L तो ये आवृत्ति हो जाएगी, √LC ये भी आवृत्ति हो जाएगी, √2π√LC होता है ना, 2π का कुछ होता नहीं, √RC ये T-1 हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछे BIL का विमीय सूत्र बताओ, तो BIL है क्या, बल है, विद्युत चुंबकीय बल है ना। या कोई पूछे QE का विमीय सूत्र बताओ, तो F=QE भी क्या है, बल है। कोई पूछे MG का विमीय सूत्र बताओ, तो MG भी क्या है, बल है। तो इन सभी बलों के विमीय सूत्र बल के ही बराबर होंगे, ML T-2, समझ रहे हैं। B²/2μ0 इसका विमीय सूत्र बताओ, B चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 चुंबकनशीलता है मुक्त आकाश की, इसका कोई विमीय सूत्र पूछे तो ये ऊर्जा घनत्व था, √1/2ε₀ E² था कि नहीं, तो ये विद्युत ऊर्जा घनत्व है और ये वाला सूत्र है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का, तो कोई सी भी ऊर्जा घनत्व हो है तो ऊर्जा घनत्व ही, तो वही आ जाएगा किसका, ML-1 T-2, क्योंकि ये भी क्या है, ऊर्जा घनत्व ही है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना।